हेलो फैमिली, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, एंड ऑन द ब्लॉग्स पे। आई होप कि आप सब अच्छे और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सोनाक्षी कहाँ गई, गई क्या? और ऋषभ मेरे साथ ही रहता, जाता नहीं है कहीं, इनकी मम्मी उतर के चली गई है, मम्मी सीएनजी भराना था। तो विनय और दीदी लोग सब लोग कब के निकले हुए हैं, लेकिन ये लोग हमारे साथ ही पहुँच रहे हैं। तो बस हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले थे, और वन्ना जी बोले कि मेरे मोबाइल का जो है टेम्पर्ड ग्लास टूट गया है, कवर दूसरा लेना है। तो और लगी है बहुत जोरों की भूख, बहुत जोरों की भूख, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। जल्दी पसंद करो कि देखो पसंद आ रहा है कोई, इन्होंने कवर ले लिया। दिखाओ जी कवर अपना, खुश स्माइल मार दो। कहाँ गंदा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है, सिंपल सही हो भी, फिर चलो किसी चलो बाहर देखेंगे। नहीं है इनके पास तो क्या करोगे इससे। तो अमित किट्टो के यहाँ जाने से पहले उन्होंने बोला देख लो कुछ मीठा ले लो, क्योंकि आज प्रोग्राम है, ले लेना चाहिए। तो हमने ले लिया है गुलाब जामुन, और ये लोग भी आ गए। क्यों उतर के आ गए कार से? आ रहा हूँ ना। अरे लेट करते हो क्या? ये ऋषभ का जब आता है ना, कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढता है। क्या है? रसमलाई कल लेके आए थे ना, कल खाए थे ना, मम्मी नहीं दी थी क्या? सही बताओ, सही बात। चलो हम पूछते हैं ना, अभी कल लाए थे, नहीं दी थी। चलो पूछते हैं ना, तीन पीस लाए थे रसमलाई, हम बोले ऋषभ को दे रहे ना, दी नहीं, हम बोले कि हमको नहीं मिला, हमको पता नहीं था। चलो पूछते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, और लिफ्ट के अंदर भी आ गए हैं। बस थोड़ी ही देर में अमित किट्टू के घर पे हम लोग होंगे। वन्ना जी तो लग रहा है बाहर से आ चुके हैं कि आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं। खराब हो गया है, इसके लिए चश्मा लगा रखे हैं। चश्मे के पीछे कुछ यहाँ आते ही लपेट रही है नाश्ता, क्योंकि सब लोग भूखे प्यासे हैं, पानी नहीं था। और सोनाक्षी भी लपेट रही है। जाओ जी फटाफट खाना वाना निकालो। आज हमने तो भूख लगी, मम्मी सो रही है, जो दिन खाना बनाएगी कि आवे जल्दी से खा। क्या करे, पानी नहीं था, कपड़ा इतना फैला रखी थी। खोल लिए, खोल रहा दो घंटे दिन कैसा उसको भूख, कितना उम्र का सबर तो सब लोग यहाँ पे 35 साल हो गए, हम लोगों से तो बड़ी होंगी ना। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, आज पता लग जाएगा। आज आप लोगों को पता चल जाएगा पूनम दीदी का उम्र कितना। हमारा आर्यन है 14 साल का, 14 साल का बेटा, 35-36 होंगी, 35-36। आज इनका खुला का उम्र तो डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए ना, शर्मा रहे हैं। 86 तो मेरा है, 86 मेरा है, 86। तो चलिए सब लोग यहाँ अपना बातचीत कर रहे हैं, हम खाना खा लेते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है, टाइम लग गया है, 4 बज गए भैया, 4 बज गए हैं, तो खा लेते हैं। थैंक यू भाभी जी, आपने हमारे लिए आलू का भुजिया बना। ये भाभी जी नहीं, भाभी जी उधर पीछे बैठी हुई कोने में छिप कर। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो फाइनली हमारा खाना पीना हो गया है, और इधर सब लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि भाभी जी कि स्कूटी से चलिए, हमको थोड़ा घुमा दीजिए। ये दिल्ली नहीं है, ये यूपी है, गाजियाबाद है। सानिया कहाँ जाओगी घूमने? अभी कहाँ जाए, चाचा की नमके गाड़ी से गया, चले दिल्ली घुमा दे पहले, तो मैं ड्यूटी कर ली। तुम्हारे चाचा दिन भर घूम घूम के थक जाते हैं, मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता। हम तो थक जाते हैं, यहीं जाने का मन ही नहीं करता है, जहाँ नहीं गए वहाँ जाने का मन करता है। वहाँ जाओ, वहीं लेकर चलिए, नोएडा मम्मी, नोएडा कब पहुँच गई मम्मी का आडवान ने। तो यहाँ भाभी जी को कुछ सामान लेना था, तो हम लेके जा रहे हैं, स्कूटी ले लिए अमित का, तो चलते हैं, देखते हैं भाभी जी क्या खरीदेंगी वहाँ पे मार्केट में। तो भैया को बोले कि
ले जाओ, तो बोले कि हमको नहीं पता हम कहाँ लेके जाएंगे, उनका पैर में भी प्रॉब्लम है। तो हम बोले स्कूटी से जाना है, क्या प्रॉब्लम है? तो बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे, जाओ। तो हम लीवा के जा रहे हैं, उधर चला गया ऑटो वाला। तो इन लोगों को इतना पता भी नहीं, तो मुझे भी, मैं तो सब घूमा टह रहा हूँ, मुझे पता तो करें, चलो तो चलते हैं लेके। तो हम लोग आ गए हैं दुकान पे, भाभी जी कुछ खरीद रहे हैं, तो पसंद नहीं आया तो चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा आइटम है नहीं इनके पास, फिर कहीं और देखते हैं, मिलते हैं कुछ देर बाद। तो हमने ले लिया है, और भाभी जी ले रही थी सामान जो उनको ज़रूरत है, तो हम गए ले लो, तब तक हम अपना सूट ही कर लेते हैं। तो अपना देख सकते हैं वो खरीद रही हूँ। तो हम बोले पैसा देते नहीं, कह रहे पैसा लेके आए हैं, तो चलिए मिलते हैं। तो भाभी को बोले चली जाओ, तो करेंगे हम कैसे जाएंगे, हमको डर लगता है। तो गार्ड साहब लिवा के चले गए हैं, ये बैठी हुई हंस रही है, करेंगे नहीं है ना, तो उनको पता नहीं है, तो बच्चे खेल रहे हैं, तो हम कह चल के देख लेते हैं, वो लोग खेल रहे हैं कि बच्चे बच्चे हैं ना, थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो इधर हमारे सौरभ भैया आके बैठे हुए हैं, और इधर चिक्की क्या कर रही हो, वीडियो बना रहे हो? हम तुम्हारा वीडियो बना रहे हैं, तुम बहुत शैतानी करते हो ना। आपका मैं वीडियो बनाऊंगा, बना लो मेरा वीडियो, चलो। तो इधर ओ दीदी सोनाक्षी सानिया का नया लुक देती हुई, सानिया न्यू लुक, मम्मी भी तैयार हो गई। तो हो सब लोग तैयार हो गए, ओए होए गोलू क्या बात है। तो मम्मी का तैयार हो गई है न्यू लुक, गोलू पहला मोजा हां देख दे घड़ी। तो सब तैयार हो गए हैं फटाफट, और हम भी सोचते हैं कि चले तैयार हो जाते हैं, हम लास्ट में ही तैयार होते हैं, कहीं भी रहते हैं लास्ट में ही तैयार होते हैं। और दीदी इधर देखिए सेल्फी ले रही है, तो चलते हैं, सब इधर तैयार हो गए हैं। तो हम भी, दीदी तो अलग ही दिखती रहती है। कैसे हो आप लोग? आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा दीदी को, कैसे हैं पूछिए उन्होंने। फैमिली लोग सब्सक्राइब जो नहीं, तो पता ही नहीं था इनके नाम डीके। हमारे घर में सब हंसते हैं, मेरा नाम डीके कैसे पड़ गया, डीके कब पड़ गए। हमारी यूट्यूब फैमिली ने मजबूर कर दिया डीके रखने पे। अच्छी रील सुन बना रही है, कह रही स्टाइल मारो। सब तैयार हो गए देख सकते हैं, बस मैं ही रहेगा, मैं भी फटाफट तैयार हो जाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय करते हैं इसी के साथ। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम को, मौज को, फेसबुक को, सब जगह डीके वंदना। और बड़े भाई साहब भी तैयार हो गए हैं, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। डीके भैया बढ़िया वीडियो बनाते हैं, आवाज भी अच्छी हो गई, इसलिए हम लोग लाइक ज्यादा देते, लगता है मिर्चा उर्चा ज्यादा खाने लगे। तो आज दीदी ने भी बोल दिया कि डीके भैया का जो वीडियो है काफी अच्छा रहता है, खासकर मेरा ऋषभ बेटा भी अच्छा बना देता है मेरे वीडियो को, जहाँ थोड़ा डगमगाता ना ऋषभ। तो अपने भाई प्रिंस के साथ मिल गया है, काफी एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है ना। तो दोनों लोग जहाँ रहते हैं अपना मिलजुल के खेलते हैं, बड़े साहब भाई साहब उधर बैठे हुए हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।